करो अपनी भाषा पर प्यार, जिसके बिना मुक रहते तुम, रुकते सब व्यवहार, भाषा बिना व्यर्थ ही जाता ईश्वरीय भी ज्ञान। सब दानों से बहुत बड़ा है ईश्वर का यह दान, असंख्यक है इसके उपकार, करो अपनी भाषा पर प्यार। प्रस्तुत कविता मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखित है। इन्होंने अपनी मातृभाषा को अधिक प्यार करने की प्रेरणा देते हैं। हिंदी दिवस एक खुशहाली एवं यादगार के रूप में मनाया जाता है, लेकिन इस दिनों हिंदी विषय को लेकर शौक का माहौल उत्पन्न करते हैं। ठीक है, जिस तरह कहा गया है कि लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, उससे ज्यादा दूसरे के सुख से दुखी है। मित्रों, दोस्तों, देश के युवाओं, देश की धड़कनों, इस दिन लोगों को विचार इस प्रकार होता है, अरे भाई बॉलीवुड का एक्टर मूवी हिंदी में बनाता है तथा वह हमेशा इंग्लिश में बात करता है, जबकि दूसरे देशों में ऐसा नहीं होता है। भारत का क्रिकेट खिलाड़ी हमेशा इंग्लिश में बात करता है, जबकि चाइना के खिलाड़ी अपनी मातृभाषा में बात करते हैं। सभी विषय का किताब हिंदी में नहीं है, भारत की कानून अंग्रेजी में। अंग्रेज सब कुछ लेकर चला गया भाई, लेकिन कमबख्त अंग्रेजी छोड़कर चला गया। मित्रों, दोस्तों, ऐसे विचार वाले लोग हिंदी दिवस नहीं मनाते हैं, वह हिंदी का मातम मनाते हैं। मैं कहता हूँ हिंदी दिवस तू टेंशन मत ले, तू टेंशन मत ले, संस्कृत से तू हिंदी बना, हिंदी से इंग्लिश बना, तू भारत को जोड़ता है, तू फेसबुक पर है, तू व्हाट्सएप पे है, तू टिकटॉक पे है, तुम सबसे ज्यादा लोगों के सपनों में आता है, तू सब जगह है। हिंदी, तुमको टेंशन लेना हो तो अपने लोगों से ले, जो हिंदी के संरक्षक बन बैठे हैं, हिंदी का ज्ञाता बन बैठे हैं, वो ऐसे लोग हैं जो क्रिकेट को लम दंड गोल पिंड धर पकड़ कहते हैं, मूवी को चलचित्र कहते हैं, टाई को कंठ लंगोट कहते हैं, नर्स को परिचारिका कहते हैं, मोबाइल को चलंत दूरभाष यंत्र कहते हैं, बल्ब को बिजली का लट्टू कहते हैं, पेट्रोल को सिला तेल या ध्रुव स्वर्ण कहते हैं, रेल को लौह पथगामी कहते हैं, कंप्यूटर को संगणक कहते हैं, और तो और सिगरेट को धूम्रकंडिका कहते हैं। मित्रों, दोस्तों, युवाओं, देश के धड़कनों, ये बोलने वाले लोग असल में हिंदी के दुश्मन हैं, तथा ऐसे लोगों से हिंदी बचाने की जरूरत है, न कि अंग्रेजी बोलने वाले से। भाषा एक दूसरे से बातचीत करने की माध्यम है, तथा हिंदी अपनी काम कर रही है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, आओ इस बार अच्छा से हिंदी दिवस मनाएं। इस बार एक अच्छा कार्य करें, वह कार्य है अपना हस्ताक्षर हिंदी में करें। अपना हस्ताक्षर अभियान हिंदी में शुरुआत सालों भर करे या न करे, कम से कम साल में 15 दिन हस्ताक्षर हिंदी में करे, इससे हमारी हिंदी भाषा को बढ़ावा मिलेगी और हमें भी गर्व होगा हिंदी पे। मित्रों, दोस्तों, युवाओं एवं देश के धर्म, अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी, जय हिंदी दिवस।